दोस्तों नमस्कार, मैं रम्मू सिंह। दो नहीं तीन नदियों का उद्गम स्थल है अमरकंटक। अमरकंटक का धार्मिक महत्व बहुत ज्यादा है, मगर इस आधुनिक युग में ऐसे लोग पर्यटक स्थल के रूप में इसे देखते हैं। आध्यात्मिक महत्व अमरकंटक का इस एक बात से समझा जा सकता है, भगवान शिव परिवार सहित धरती पर रहने आए। भगवान शिव जी ने धरती पर रहने के लिए कैलाश और काशी के बाद अमरकंटक को चुना। नर्मदा घाटी का उद्गम स्थल अमरकंटक है, मगर नर्मदा भगवान शिव जी की पुत्री हैं। सोन नदी का भी उद्गम स्थल अमरकंटक ही है, अमरकंटक से ही सोन नदी निकली है। नर्मदा और सोन दोनों का उद्गम स्थल अमरकंटक है, मगर दोनों नदियां विपरीत दिशा में बहती हैं। कहा जाता है नर्मदा और सोनभद्र का विवाह होना था, जो न हो सका। इस कारण दोनों में मनमुटाव हुआ और दोनों नदियां विपरीत दिशाओं में बहने लगी। भारत में सिर्फ दो नदियां हैं जिनके नाम पुरुष सोनभद्र और ब्रह्मपुत्र, बाकी नदियां स्त्रीलिंग हैं। स्कंद पुराण में अमरकंटक के लिए कहा गया है अमर यानी देवता और कट यानी शरीर। अमरकंटक पर्वत देवताओं के शरीर से आच्छादित है, इसलिए यह अमरकंटक कहलाया। मत्स्य पुराण में अमरकंटक को कुरुक्षेत्र से भी अधिक महत्वपूर्ण और पवित्र माना गया है। पद्म पुराण में देवर्षि नारद महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि अमरकंटक पर्वत के चारों ओर कोटि रुद्रों की प्रतिष्ठा हुई है। यहां स्नान करके पूजा करने से महादेव रुद्र प्रसन्न होते हैं। नर्मदा को भगवान शिव का इतना आशीर्वाद प्राप्त है कि उसकी धारा में पाए जाने वाले शिवलिंग की स्थापना के लिए प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं पड़ती। नर्मदा में पाए जाने वाले शिवलिंग बाण शिवलिंग कहलाते हैं। अमरकंटक से नर्मदा सोन के अलावा तीसरी जोहिला नदी का उद्गम भी होता है, जिसका उल्लेख कम ही सुनने को मिलता है। नर्मदा भारत की इकलौती नदी है जो पूर्व दिशा से पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा नदी किसी ग्लेशियर से नहीं निकली है। नर्मदा देश की सबसे बड़ी पांच नदियों में शामिल है। अमरकंटक पहुंचने के लिए छत्तीसगढ़ का पेंड्रा रोड रेलवे स्टेशन या मध्य प्रदेश का अनूपपुर सबसे नजदीक है। अमरकंटक में प्रमुख नर्मदा उद्गम मंदिर, प्राचीन मंदिर समूह, कपिलधारा, दूधधारा, पंचधारा, शंभुधारा, दुर्गाधारा, चक्रतीर्थ अरण्यक, आश्रम मंदिर, कबीर चबूतरा, भृगु कमंडल, धूनी पानी, श्री यंत्र मंदिर, सोनमूड़ा, माई की बगिया, माई का मंडप, अमरेश्वर मंदिर, प्राचीन जलेश्वर मंदिर, श्री दिगंबर जैन सर्वोदय तीर्थ क्षेत्र प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। अमरकंटक आने पर मन, मस्तिष्क और शरीर प्रफुल्लित हो जाते हैं। अमरकंटक में ऊंचे ऊंचे पर्वत, हरे घने पेड़ों की श्रृंखला मनमोहक है। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर। धन्यवाद।